ए जल्दी दो ए ए भैया कॉफी दे भाई लो दो में जी। हेलो 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 कॉफी बस आ गया भाई पीछे से दो अरे पीछे से दो ना यार। हेलो 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 बेटा ऐसे ठीक है ऐसे ही ठीक है छोड़ दीजिए उनको खड़खड़ाएगा आवाज ऐसे बोल दीजिए पहले इधर चलो ए सब पागल है ये खरीद लीजिए सर क्या यहाँ देखो भैया आप हंस रहे ब्याह शादी तो नहीं हो गया ब्याह शादी होगा तो 31 प्रॉब्लम होगा ठीक तो बोले भैया कम सब चाय लौटा दिया लो सब चाय लेके आ गए कल चुपके झूठो आप ही पंडित जी हो गए लेकिन सब लौटा ये जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं सर सुनो ये जो आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं ये बिहार सरकार का गलत आंकड़ा है बलात्कार का भी कहीं पर अंकित नहीं होता है बच्चन साहब थोड़ा सा दंगा का भी अंकित नहीं होता है एक दंगा का पूरा चैनल पर आया है कल का एबीपी पे या अन्य और चैनल पे है उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट है इससे चार गुना ज्यादा दंगा है और मर्डर भी 3 गुना ज्यादा है अब बलात्कार 4 गुना ज्यादा है ये बिहार सरकार का आंकड़ा आपके सामने ये स्थिति है मर्डर का जो दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंकड़ा जो बिहार सरकार के वेबसाइट में आपको आश्चर्य होगा अभी हम हाजीपुर से आ रहे हैं जंदहा में जो गांव में किसानों को किडनैप किया गया था उस दोनों किसान की लाश मिली वो लाश खगड़िया में मिली उसके पहले अमरेंद्र मिश्रा पानी वाले को गोली मार दिया गया था और जाते वक्त किसान की किडनैपिंग हो गई थी कल 6 बजे शाम में अपराधी गिरोह ने बाजारों में लगातार अंधाधुंध फायरिंग किया और एक काम करने वाले गरीब आदमी को मार दिया लाश पड़ी हुई है जंदहा बंद है तनाव व्याप्त है फिर कुछ लोगों ने दो एक समुदाय के लोगों के दो घर को जला दिया सरकार बिल्कुल मस्त है कोई फोर्स नहीं थी जब हम जंदहा गए तो उसके पहले तक 5 मिनट पहले तक कोई थाना प्रभारी कोई भी लोग जंदहा में नहीं आए थे कल शाम से अभी तक
हाजीपुर में गुंजन खेमका की हत्या हुई, हाजीपुर में गुंजन खेमका के बाद पटना के व्यवसायी और ठेकेदारों की हत्या हुई। लगातार अपराधियों का मिनी यूनिवर्सिटी और गिरोह का अपराधियों को चिन्हित करने की जरूरत है। डीजी ने कहा है कि हम इनकाउंटर नहीं करेंगे, कानून से निपटेंगे। उत्तर प्रदेश का इनकाउंटर जातीय क्रिमिनल के लिए नहीं था, स्वजातीय क्रिमिनल के लिए था, स्वजातीय क्रिमिनल के लिए नहीं था, दूसरे जाति के क्रिमिनल के लिए था। क्रिमिनल का भी जाति का बंटवारा है। बिहार में डॉक्टर गुंजन खेमका जिसकी हत्या हुई, उसके भाई डॉक्टर से पूछता है पुलिस, आप हमको कोई सुराग बताएं कि हत्या किसने की। पताल से भी निकालने वाला बयान नीतीश कुमार का, सीधा सवाल है, किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी आपसे मेरा दो सवाल है, जब पुलिस को आप दारू रोकने पकड़ने बनाने बेचने और पैसा वसूल कर नेता और को देने में लगाइएगा तो फिर अपराध को पताल से कौन निकालेगा। हम इस सरकार को चुनौती देते हैं, सीनियर पदाधिकारी से लेकर के निचले तक के पदाधिकारी और किसी भी दल के नेता, लगभग 90-95% नेता और सभी दलों का प्रवक्ता और सभी दलों का जो पदाधिकारी है, एक महीने के अंदर उसका डीएनए जांच हम चाहते हैं। यदि मेडिकल रिपोर्ट में इनके प्रवक्ता, इन सभी नेताओं के और इनके सीनियर पुलिस पदाधिकारी के ब्लड में यदि दारू का पीने का नहीं आए तो या तो हम राजनीति से संन्यास लें या तो आप राजनीति से संन्यास लें। मेरा सीधा मांग है, ये नेता जिस शादी में जाते हैं उसी शादी में बगल में कोने में दारू पिया जाता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बगैर दारू के चलती हो, और दारू का मात्र एक काम बच गया है, पैसे कमाने का, पैसे उगाही करने का। मां इसीलिए लगातार खगड़िया में एक बच्चों की किडनैपिंग करके गायब कर देना, लगातार अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती, जंदहा ब्लॉक में एक ही ब्लॉक में 5 हत्या, लगातार बिहार में बढ़ता बलात्कार और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा अपराधियों को स्वीकार करना, राजनीति में चुनाव में केंद्र बिंदु अपराधी माफिया और पैसे वालों को बनाना, यह बिहार के हित के लिए, बिहार के 11 करोड़ 36 लाख लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं है।
बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ आर-पार के युद्ध की आवश्यकता है। अपराधी और नेताओं का चोली दामन का संबंध बन गया है। ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, ये नेताओं को सभी तरह के रसूखदार चीज पहुंचाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। वोट, सियासत, सत्ता, पैसा और मौज मस्ती करने वाला आइटम, इस सभी चीज माफिया अपराधियों के द्वारा परोसा जा रहा है नेताओं। आज बिहार की 11 करोड़ जनता आजादी चाहती है इन माफियाओं से, अपराधियों से, चाहे वो गुंजन खेमका हो, अखिलेश जायसवाल हो, लड्डू सिंह हो, शाही हो, चाहे अमरिंदर मिश्रा हो, चाहे दो किसान की मौत हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे प्रियांशु पटेल बच्ची लड़की हो, दहशत में है यह अभियान, भय के वातावरण में है यह अभियान, डरावना माहौल में जी रहा है यह अभियान। एक तरफ अपराधियों का माहौल, भय, वातावरण, और दूसरे तरफ चुनाव का नफरत, इस दोनों के बीच बिहार के लोग भयक्रांत हैं। लगभग हर जिले से व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े व्यवसायी का जो संगठन है, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीआई फिक्की, ये सब बीजेपी और सत्ता पक्ष के हाथ गिरवी रखा हुआ है, या अपना कुकर्म का जो साम्राज्य है उसको जिंदा रखने के लिए इन्हें गुंजन खेमका की हत्या, या अखिलेश जायसवाल की धमकी, या लड्डू सिंह शाही का मौत, या बेगूसराय में ठेकेदारों की हत्या, या 5 हत्या जनता में, इससे इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं करता। हम जब इन लोगों से, चैंबर ऑफ कॉमर्स वाले से, बिहार के अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने मदद मांगा, तो ये लोग नीतीश कुमार और भाजपा के नाम पर अपने को बचना चाहे, और अपराधियों से मिली भगत इन बड़े व्यापारी जो चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, नेता और अपराधियों से इनकी मिली भगत, ये लड़ना नहीं चाहते हैं। और छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी को दहशत में रखकर खुद के गलत साम्राज्य को कैप करना चाहते हैं। इसीलिए इस बिहार में सिर्फ शूटन साइट की आवश्यकता है, या एसपीडी ट्रायल कर फांसी की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन अफसर चेंज हो, क्योंकि थाना कंप्लीट रूप से बिचौलिया और दलाल चला रहा है, थानेदार नहीं चला रहा है, जिला बिचौलिया और दलाल चला रहा है। जो भी जमीन की दलाली, बालू की दलाली, शराब की दलाली, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया की दलाली कर रहा है, पूरा का पूरा जिला महकमा इन्हीं लोगों के हाथ में गिरवी है। ये स्थिति है। इसीलिए मेरा साफ उस चीजों को स्वीकार नहीं करता हूं। आज कंप्लीट रूप से एक मिनट भी अपराधियों को जीने का, अपराधियों को बिहार में रहने का राइट नहीं है। हमारी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए, और आम आदमी और बेटियों की सुरक्षा के लिए कंप्लीट रूप से ने भी खुली छूट दे रखी है माफियाओं, अपराधियों, क्योंकि चुनाव में पहलवान खोजे जा रहे हैं, किसी के पास पहलवान नहीं है।
माझी रघुवंश बाबू ऐसे लोगों को भी लोग ऐना दिखाते हैं। बार बार ये सवाल होता, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस से, मैंने सीधा कह दिया है कि आप गठबंधन धर्म का पाल तय आप करिए। हमने जन अधिकार पार्टी के गठबंधन को कांग्रेस के नेता गहलोत जी से भी, गोयल जी से भी, और आदरणीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से भी मिलकर हमने कह दिया जन अधिकार पार्टी के निर्णय कांग्रेस को करने। हमने पहले भी कह दिया कि जन अधिकार पार्टी 3 सीट कैंडिडेट का नाम भी, 3 सीट भी सब हमने बता दिया है, तय करना कांग्रेस को है। मैं यह मानता हूं कि बिहार में कांग्रेस और लालू यादव जी एक अच्छी समझ के साथ, अच्छे गठबंधन प्रबंधन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव जी को लंबा अनुभव है कि चुनाव में नफरत पैदा करने वालों को इसको कैसे परास्त किया जाए। चुनाव में आज देश की जो आवाज है, रोजगार, सुरक्षा, किसान, इस सवाल पर फिरका परस्ती और बीजेपी को कैसे रोका जाए, लेकिन लालू यादव जी से आग्रह करेंगे कि अपने परिवार के कुछ लोगों को जिनको सामाजिक समझ नहीं है, जिनको संघर्ष का, दुनिया का पता नहीं, उनसे वो पंचायत ना करें, वह परिवार के व्यक्तिगत चीजों में वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म तय करने की जिम्मेदारी या तो बड़ी पार्टियों की होती है या तो फिर दो बड़े नेता हैं उनकी होती है। कुछ ऐसे भी नेता जिसको बिहार का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी ज्ञान नहीं हो, बीच में माए ऐसे नेता मुझे आश्चर्य होता है, जिसको सामाजिक समझ नहीं हो, जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, आश्चर्य होगा आपको ए भाई। वो लोग भी बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहाना लग। इसीलिए जन अधिकार पार्टी ने साफ शब्दों में तय कर लिया है, किसी भी परिस्थिति में हम 3 सीट पर लड़ेंगे और साथ साथ कौन कौन सीट नहीं वो बताएंगे आपको, अभी हड़बड़ी किस बात की है। कुछ लोग महागठबंधन में बीजेपी को फायदा पहुंचाने चाहते हैं और सिर्फ गठबंधन धर्म को नहीं पालन करना चाहते हैं और साथ साथ गठबंधन को नीच दिखाते हैं, ये ठीक नहीं। तीसरा चीज, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अब सिर्फ जिताओ कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो, दबंग हो, दादा हो। सही कहा मांझी जी ने, जब मांझी जी को थप्पड़ से मारने की बात किसी विधायक ने कही थी नीतीश के पक्ष में, जब मांझी स्वीकार कर सकते हैं तो फिर दूसरे के पेट में दर्द क्यों हो रहे। और मांझी जी का सम्मान पुराने गठबंधन में, नए नए अखाड़ा में पहलवान आता है उसको लेकर के घूम रहे हैं अलग अलग। आज जो पुराने गठबंधन के लोग हैं उनका अपमान, ये उचित नहीं है। हम लालू जी से आग्रह करेंगे कि लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से अनुभवी लोगों का सम्मान होना चाहिए,
और अखाड़ा में जो नए नए लोग आते हैं जिसको हवा हवा पर आते हैं और वह बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, ऐसे चीजों से बचने की आवश्यकता है। चुनौती हम लोग के सामने भारत बचाने की है, बिहार बचाने की है, और इसको मिलजुल करके तय करेंगे। महागठबंधन मजबूत हो, महागठबंधन धर्म मजबूत हो, नफरत की राजनीति और डर की राजनीति समाप्त हो इस देश से, भय का वातावरण समाप्त हो। हम चाहेंगे कि यह आगे बढ़े। आज नीतीश कुमार जी भी जो बीजेपी के साथ हैं, इसका देन लालू जी नहीं है, लालू जी का परिवार है, अन्यथा नीतीश कुमार जी आज महागठबंधन के हिस्सा होते। जबरदस्ती नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से भगा दिया गया और उन्हें हिस्सा बना दिया गया अलग। तो आप ऐसे आंखिएगा तो कैसे काम चलेगा? और आप राजद से कैसे अलग हो गए? अभी महागठबंधन का सवाल है और चुनाव का, और हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, इसलिए अब दूसरी कोई सवाल नहीं है। हमने आपको अपनी मंशा बता दी कि हम महागठबंधन धर्म को चाहते हैं वो मजबूत हो, भय डर का वातावरण इस देश से खत्म हो। आज नफरत सामने है, किसान, बेरोजगार और सुरक्षा, यह जनअधिकार पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपराधी और नेता का जो नेक्सस है उस लंका को जला देने की जरूरत है, और गठबंधन धर्म में कांग्रेस और लालू यादव जी दोनों मिलकर के बिहार को एक स्वतंत्र मजबूत गठबंधन बनाए, यह हम अपील करते हैं। धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो बताइए।